आज प्रभु ने ये जो मौका दिया उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। पिछले हफ्ते हमने बाइबल से कुछ गंभीर विषयों का अध्ययन चालू किया था। इन गंभीर विषयों के अध्ययन के पीछे कारण था। आज इस सभा में जितने लोग मौजूद हैं इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में पाया है। वे जानते हैं कि प्रभु उनके मुक्तिदाता हैं, प्रभु ने उनको एक नया जीवन दिया है। और जब एक नया जीवन मिल जाता है तो उसके बाद जीवन में दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में विकास होना जरूरी है, बढ़ना जरूरी है। अपन सब जानते हैं बड़े शौक के साथ, मान लीजिए कहीं से कोई फल हमने देखा जो हमको बहुत अच्छा लगा, उसको बड़े शौक के साथ अपने आंगन में लाकर लगाया, प्रतिदिन जब उसको हम पानी से सींचते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो पौधा दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। जब एक घर में एक शिशु जन्म लेता है तब हम जानते हैं कि शिशु शिशु के समान ही व्यवहार करेगा, लेकिन उस शिशु से हम एक उम्मीद और करते हैं कि दिन प्रतिदिन वजन बढ़ेगा, दिन प्रतिदिन दूसरों को पहचानना चालू करेगा, धीरे धीरे माँ शब्द मुंह से बोलने लगेगा। कितनी भी टूटी फूटी टूटे फूटे तरीके से माँ बोले लेकिन माँ बोलेगा, पापा बोलेगा, धीरे धीरे उसकी शब्द सामर्थ बढ़ेगी। और जो कल तक दूध पीता था थोड़ा बहुत सॉलिड ठोस भोजन खाने लगेगा, धीरे धीरे चलेगा। एग्जैक्टली इसी तरह से हमारे आत्मिक जीवन में प्रभु हमसे उम्मीद करते हैं कि प्रभु यीशु के द्वारा नव जीवन, नया जीवन पाने के बाद हर दिन हमारे जीवन में विकास होगा, होना चाहिए। और यदि नहीं हुआ है तो उसका मतलब है कि कहीं हम अपने आत्मिक जीवन में लापरवाही कर रहे हैं। उस शिशु में जो घर पे पैदा होता है और जो आत्मिक शिशु है, इन दोनों में एक अंतर है। जब एक शिशु किसी घर में पैदा होता है तो उसको भोजन देने की जिम्मेदारी माँ की होती है और उसके बाद घर के बुजुर्गों की होती है। लेकिन जब एक व्यक्ति आत्मिक जीवन में एक नया जीवन पाता है तो जो भी व्यक्ति उसको आत्मिक जीवन में लाया है उसकी जिम्मेदारी जरूर है कि वो उसकी अगुवाई करे, लेकिन दिन प्रतिदिन आत्मिक भोजन को खाना उस आत्मिक शिशु की जिम्मेदारी है। और इसलिए मैंने याद दिलाया था कि हम में से हर व्यक्ति को ये आदत डाल लेनी चाहिए कि नियमित रूप से प्रभु के वचन का पाठ करेंगे। आप कहेंगे कि शास्त्री सर सुबह शाम नौकरी से फुर्सत नहीं मिलती। अरे सुबह शाम पाठ करो मैंने कहा तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि सुबह 4 घंटे और शाम को 4 घंटे पाठ करो। मेरे कहने का मतलब है कि सुबह यदि 5 या 10 मिनट निकाल सकते हो तो उतने समय में जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। बाइबल की अन्य पुस्तकें नहीं पढ़ पाते तो सुबह जल्दबाजी में यदि 10 मिनट निकाल सकते हो तो बाइबल के बीचों बीच जो पुस्तक है भजन, उसका पाठ करो। उसको पढ़ना कुछ और आसान है क्योंकि वो कविता है। शाम के समय थोड़ा और समय निकाल कर अन्य पुस्तकों को पढ़ें। इस तरह से आत्मिक भोजन के रूप में प्रभु के वचन का पाठ करें। पिछले हफ्ते मैंने आपको ये बात बताई थी कि बच्चा जब बढ़ता है तो माँ बाप के साथ वो बातचीत शुरू करता है और उसके बाद माँ बाप के अलावा भाई बहन, चाचा मामा, ताऊ, बुआ फूफा वगैरह से भी वो बात करने लगता है। बातचीत या वार्तालाप जरूरी है, लेकिन सबसे पहले माँ बाप से वार्तालाप जरूरी है। उसी प्रकार प्रत्येक प्रभु के बच्चे की जिम्मेदारी है कि वो हर दिन अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता, अपने मुक्तिदाता के साथ बातचीत करे। और जिस तरह से बच्चे को अपने माँ बाप से बातचीत करने के लिए अनुमति नहीं लेनी पड़ती, परमिशन नहीं लेना पड़ता, उसी प्रकार हमको
प्रभु से बातचीत के लिए कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह से हम कागज़ पर लिख के ले जाके प्रभु माँ बाप के सामने पढ़ के उनसे बातचीत नहीं करते, उस तरह से रटी रटाई प्रार्थना को प्रभु के सामने दोहराने का कोई मतलब नहीं है। प्रार्थना बातचीत है, वार्तालाप है। और जिस तरह से हम अपने माँ बाप से आकस्मिक बिना किसी प्लान के बात करते हैं, वैसे प्रभु के साथ बात करना जरूरी है। और ये बात भी मैंने याद दिलाई थी कि सुबह शाम एक निश्चित समय निकालकर जरूर प्रार्थना करें। उसके अलावा दिन भर जो भी कार्य होता है उस कार्य को करते समय, करने से पहले, करते समय, करने के बाद भी प्रार्थना में लगे रहें। कल को यदि आपका बॉस आपको बुलाता है, चाहे अच्छा आदमी हो या खूंखार आदमी हो, जब वो आपको बुला रहा है तो जाते समय प्रभु से कहिए, प्रभु मैं जा रहा हूँ, मेरी मदद कीजिए। जब वो कड़ाई से आपको बात करता है, आपसे बात करता है, मनी मन, हे प्रभु ये आदमी कितना कठोर है, अन्यायी है, लेकिन मैं प्रभु का बच्चा हूँ, प्रभु की संतान हूँ, और इसलिए सही रीति से जवाब देने के लिए, जो आपके नाम की महिमा करेगा उस तरह का जवाब देने के लिए मेरी मदद कीजिए। उसके लिए कैसे प्रार्थना करना है, ये नमूना मैंने प्रभु के वचन से आपको पिछले हफ्ते सुनाया था। आज आत्मिक जीवन से संबंधित एक और बात मैं आपको, आपके सामने रखना चाहता हूँ। नए नियम में जो छठी पुस्तक है उसका नाम है रोमियो। एक्चुअली रोम में रहने वाले लोगों के लिए एक लंबे बाइबल टीचिंग के रूप में पवित्र आत्मा ने इसे लिखवाया था अपने महान दास पौलुस के द्वारा। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि कोई विश्वासी इस पुस्तक को शुरू से लेकर आखिर तक मास्टर कर ले तो मसीही जीवन में या मसीही जीवन की जो आधारभूत बातें हैं, जो फंडामेंटल बातें हैं, वो सब समझ जाएगा। इतना आसान नहीं है। इस पुस्तक को बहुत ज़्यादा गहराई में अध्ययन करना अपने आप में एक कठिन कार्य है, लेकिन यदि एक चीज को सही तरीके से किया जाए तो कठिन क्यों ना हो वो हम कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले दिनों में इस पुस्तक के अध्याय एक से लेकर आखिरी अध्याय तक ये पुस्तक हमको क्या बताता है ये मैं आप लोगों के सामने रखूं, क्योंकि एक नए विश्वासी को जो कुछ जानना है वो सब हम इस पुस्तक में देखते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि यह अध्ययन बहुत भारी ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो आप कहें कि शास्त्री सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इसको फर्स्ट राउंड बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने पेश करूं। अगले हफ्ते से प्रभु ने मदद की तो हम अध्याय एक से आरंभ करेंगे। आज एक विषय परिचय के रूप में मैं अध्याय 5 से चालू करना चाहता हूँ। इस पुस्तक के अध्याय के पांचवें अध्याय का पहला पद आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहाँ लिखा हुआ है, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे। विश्वास शब्द आप सब जानते हैं, धर्मी ठहरे शब्द का क्या मतलब है? धर्मी का भी लगभग सबको अनुमान है, यदि किसी व्यक्ति को किसी गलती में पकड़ा जाता है, पकड़कर उसको न्यायी के सामने या मालिक के सामने खड़ा किया जाता है, मालिक पूछता है कि क्यों रे, तूने ये अपराध किया क्या? यदि जिसने अपराध किया है वो मालिक के सामने गिर के कहता है कि मालिक गलती हो गई, मेरे मन में
क्रोध आ गया या लालच आ गया, मैं थोड़ी देर के लिए सही रीति से सोच नहीं पाया मालिक, इस कारण मुझसे गलती हो गई, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आइंदा कभी भी ये गलती नहीं करूँगा। मालिक कहता है कि अच्छा ठीक है, पहली बार तूने गलती की है और तू मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है, मैं हमेशा एक और अवसर देने में यकीन रखता हूँ और इसलिए मैंने तुझे माफ़ किया, तेरी गलती की सज़ा तुझे नहीं दूंगा, लेकिन जा, इस बात को याद रखना कि दोबारा तू पकड़ा गया तो वहाँ कोई माफ़ी नहीं होगी, बल्कि जिस कार्य के लिए तू पकड़ा गया है उसकी भी सज़ा मिलेगी, इसकी भी सज़ा तुझे दी जाएगी। वो आदमी अपने मालिक के सामने से चला जाता है। अब उस व्यक्ति की स्थिति को जरा सोचें, उसको मालिक ने माफ कर दिया है, इसलिए अब उसको अपने जीवन में अपराध की भावना के साथ जीने की जरूरत है क्या? अरे मैं चोर हूं या अरे मैंने गलती की है? नहीं, उसने जो भी अपराध किया था उसको उसके मालिक ने क्षमा कर दिया, और चूंकि मालिक ने क्षमा कर दिया है इसलिए उसको अपराध की भावना के साथ जीने की जरूरत नहीं है। उसको तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ जीना है कि मुझे माफ कर दिया गया है। लेकिन एक सवाल यह उठता है, कल को यदि उस व्यक्ति के बारे में पूछा जाए या उस व्यक्ति से ही पूछा जाए कि भैया तुम जीवन में पूर्ण रूप से निर्दोष हो क्या, उसका क्या जवाब होगा? निर्दोष नहीं है, वो तो दोषी था। जो व्यक्ति दोषी है उसके दोष या उसका दोष क्षमा कर दिया जाता है तो वो निर्दोष नहीं हो जाता है। ये हमको बहुत क्लियरली समझना चाहिए कि जो दोषी है उसको दोष से क्षमा मिल जाए तो वो निर्दोष नहीं हो जाता है, वो माफी पाया हुआ दोषी व्यक्ति है, वो एक अपराधी है जिसको माफी मिल गई है, और इसलिए अपराध की सजा उसको किसी भी कतई भी किसी हालत में अपराध की सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो निर्दोष है। निर्दोष सिर्फ उस व्यक्ति के लिए इस शब्द का उपयोग किया जा सकता है जिसने जीवन में कभी भी कोई भी गलत काम नहीं किया है। इस दुनिया में कोई है क्या निर्दोष व्यक्ति? नहीं, कोई भी निर्दोष व्यक्ति नहीं है। हम में से हर कोई दोषी है, लेकिन जब हम प्रभु यीशु के पास जाकर उनसे याचना करते हैं, प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मैं प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता हूँ, उस क्षण प्रभु हमको हमारे सारे पापों से माफ़ी प्रदान करते हैं, और उस क्षण से हम प्रभु के सामने दोष से क्षमा पाए हुए व्यक्तियों के समान जीवन बिताते हैं। इसके साथ साथ मसीही जीवन समाप्त हो जाता है क्या? नहीं, मसीही जीवन समाप्त नहीं होता है। जिस क्षण हम प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं उस क्षण कम से कम 40 बातें हमारे जीवन में घटती हैं। आप कहेंगे शास्त्री सर क्या कह रहे हैं? जी हाँ, जब हम प्रभु के वचन का बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे तब इन 40 में से बहुत सारी बातें मैं आपको बताता चलूँगा। उसमें से पहली ही बात मैंने आज आपको शाम को बात बता दी, जब हम प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं उस क्षण हमारे भूतकाल के सारे पाप, वर्तमान के पाप और भविष्य के पाप क्षमा हो जाते हैं। पहली बात जो हमारे जीवन में घटती है, हमको प्रभु अपना बच्चा बना लेते हैं। दूसरी बात, हमको एक नया जीवन देते हैं। तीसरी बात,
इनमें से हर चीज का विस्तार से हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि इनमें से हर चीज को डिटेल में जानना जरूरी है और इनमें से हर चीज के साथ बहुत सारे डिटेल्स जुड़े हुए हैं। लेकिन एक और घटना होती है, वो घटना है जो आज हमने प्रभु के वचन से पढ़कर सुना कि विश्वास से धर्मी ठहरे। मतलब जिस क्षण हम प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं, उस क्षण ना केवल हमारे पाप क्षमा कर दिए जाते हैं, बल्कि प्रभु हमारे जीवन में एक बदलाव, एक परिवर्तन लाते हैं, जिसके कारण यदि मेरे आपके बारे में पूछा जाए कि अरे ये शास्त्री फिलिप ये कौन है, ये प्रभु की संतान है, ये धर्मी है क्या, धर्मी मीन्स जिसने जो पूर्ण रूप से निर्दोष है, जो 100% निर्दोष है, सिर्फ ऐसे व्यक्ति को धर्मी माना जा सकता है या कहा जा सकता है। यदि मेरे बारे में पूछे कि ये शास्त्री ये धर्मी है क्या, तो उसका सही सही जवाब तो ये होना चाहिए, नहीं, ये पाप से क्षमा प्राप्त किया हुआ एक व्यक्ति है, ये निर्दोष नहीं है, लेकिन ये पाप से क्षमा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है, जिसके पाप प्रभु ने सूली पर अपने ऊपर उठा लिए थे। लेकिन हाँ, यदि प्रभु से पूछा जाए तो प्रभु का जवाब होगा हाँ, ये ना केवल पाप से क्षमा प्राप्त व्यक्ति है, ये धर्मी है। ऐसा कैसे हो सकता है, जिसने पाप किया है उस व्यक्ति के बारे में ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि वो धर्मी है? यह है एक विशेष बात जो मुझे और आपको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि जिसने भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, प्रभु उसको पाप से क्षमा मिला हुआ एक पापी पापी के रूप में नहीं देखते हैं, प्रभु उसको एक धर्मी के रूप में देखते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, कोई जज किसी अपराधी को जब वो या दूसरा कोई व्यक्ति फाइन दे देता है तो उसको क्षमा प्राप्त अपराधी के रूप में भेज सकता है, लेकिन वो जज ये थोड़ी डिक्लेयर कर सकता है कि ये धर्मी है, इसने कभी कोई पाप नहीं किया। लेकिन इस विश्व के रचयिता, इस विश्व के सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु ने एक काम और किया है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। इसके बारे में इसी पुस्तक के बाद अगली जो पुस्तक आती है उसके 12वें अध्याय के 12 और 13 पद में एक विशेष बात हम देखते हैं, जो मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं, और जो नोट कर रहे हैं वो नोट करते चले जाएं और घर जाकर उसको पढ़ लें। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 12 और 13, पहला कुरिन्थियों 12, मेरे और आपके बाइबल एडिशन्स अलग है, नहीं तो मैं पेज बता देता। मेरे इसमें पेज 239, 229 पेज पर। मैं पढ़ के सुनाता हूँ, सभी लोग सुन लें। 13 पढ़ते हैं, हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, मतलब इस संसार का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, ये उन लोगों के बारे में बात हो रही है जिन्होंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। यहाँ एक विशेष वाक्य है जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, इसका क्या मतलब है, बाकी डिटेल्स मैं बाद में आपको बताऊंगा जब हम इस विषय का भी अध्ययन करेंगे, और विषय है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। आज सिर्फ इतना समझ लें कि जिस क्षण हम प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं, उस क्षण प्रभु का पवित्र आत्मा मुझे और आपको लेकर
प्रभु यीशु के शरीर के साथ जोड़ देते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि जितने लोगों ने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है वे सब एक शरीर हैं, एक देह है। पवित्र आत्मा ने जब मुझे और आपको, हम जो पापी अभागे और लाचार हैं, हमने जिस क्षण प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया उस क्षण आत्मिक रूप से पवित्र आत्मा ने मुझे और आपको प्रभु यीशु के शरीर के साथ जोड़ दिया है। इस कारण मैं और आप एक ही आत्मिक शरीर के अंग हैं, मैं और आप प्रभु यीशु के शरीर के अंग हैं, और प्रभु यीशु के शरीर के अंग होने के कारण इस संसार में सिर्फ एक ही धर्मी व्यक्ति है। कौन है वो? प्रभु यीशु। प्रभु के शरीर के साथ जब हम जोड़ दिए गए तो प्रभु की जो धार्मिकता है वो हमको पूरी तरह से कवर कर लेती है। और इस कारण जब पिता परमेश्वर मुझे और आपको देखते हैं, जब शास्त्री फिलिप को देखते हैं, तो मुझे एक पापी के रूप में या क्षमा पाए हुए पापी के रूप में नहीं, प्रभु यीशु की धार्मिकता के द्वारा पूरी तरह से कवर किए हुए व्यक्ति के रूप में देखते हैं। आपने बहुत ही गहरे कोहरे में आदमी को चलते हुए देखा है क्या? मैं तो ऐसे इलाके से आया हूँ जहाँ ठंड के दिन ऐसा कोहरा, ठंड के समय ऐसा कोहरा पड़ता है कि आपको अपना हाथ नहीं दिखाई देता। ऐसे कोहरे में जब कोई व्यक्ति चल रहा होता है आप उसको देख नहीं सकते। दूर से यदि उस व्यक्ति के पीछे कोई बहुत ही पावरफुल हैलोजन लाइट किसी गाड़ी का ऑन हो जाता है तो हमको पता चलता है कि कोहरे में कोई आदमी है, लेकिन हमको वो आदमी नहीं, वो कोहरा दिखाई दे रहा है जो पूरी तरह से उस व्यक्ति को आवरण किए हुए, जो उसको कवर किए हुए है। ये एकदम से परफेक्ट उदाहरण नहीं है, लेकिन एक ऐसा छोटा सा उदाहरण है जो लगभग हर उत्तर भारतीय व्यक्ति समझता है कि कोहरे में जब कोई व्यक्ति चलता है तो सिर्फ कोहरा ही कोहरा दिखता है, सिर्फ इस बात का अनुमान होता है कि उसके अंदर कोई व्यक्ति है। प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में जिस क्षण हम ग्रहण करते हैं उस क्षण हमको प्रभु के शरीर के साथ जब जोड़ दिया जाता है तो शाश्वत प्रभु जो निष्पाप और धर्मी है, उस शाश्वत प्रभु की धार्मिकता हमको पूरी तरह से आवरण कर लेती है। और उसके बाद प्रभु जब मुझे और आपको देखते हैं तब एक क्षमा किए हुए पापी के रूप में नहीं, मुझे और आपको एक धर्मी व्यक्ति के रूप में देखते हैं। यह है ये जो मैंने पढ़कर आपको सुनाया, उसका मतलब कि विश्वास से हम धर्मी ठहरे। प्रभु के सामने कल जाकर जब आप प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं तब प्रभु को ये बताने की जरूरत नहीं है कि हे प्रभु मैं धर्मी हूं। हम में से कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं है, लेकिन जब हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े होते हैं तब इस कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हो सकते हैं, हिम्मत के साथ, कि प्रभु मुझे एक क्षमा किए हुए पापी के रूप में नहीं, अपने पुत्र प्रभु यीशु की धार्मिकता के द्वारा पूरी तरह से आवरण किए हुए एक धर्मी बच्चे के रूप में देखते हैं। इसलिए आगे लिखा हुआ है कि हमको प्रभु के साथ या प्रभु के पास जाने का, जाने की हिम्मत होती है। एक पापी व्यक्ति सनातन ईश्वर की उपस्थिति में किसी भी हालत में खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन पापी व्यक्ति को जब प्रभु यीशु की धार्मिकता पूरी तरह से कवर करती है तो पूर्ण हिम्मत के साथ, पूर्ण हियाव के साथ हम प्रभु के सामने जाकर खड़े हो सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, आप में से जिसने भी प्रभु को मुक्तिदाता, और बहनों जिन्होंने भी प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, उस व्यक्ति को पवित्र आत्मा ने उठाकर प्रभु के शरीर का अंग बना दिया है, और चूंकि अंग बना दिए इसलिए प्रभु यीशु की धार्मिकता हमको पूरी तरह से कवर करती है। इस कारण प्रभु के सामने हम बहुत ही हिम्मत के साथ जा सकते हैं कि हे प्रभु मैं आपका बच्चा हूँ। उसका एक दूसरा पहलू भी है जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जब प्रभु ने आपको इस तरह की धार्मिकता प्रदान की है
तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि मैं और आप अपने जीवन में प्रतिदिन मनसा वाच्या कर्मणा इस बात को याद रखें कि मैं प्रभु यीशु में धर्मी हूं, और इस कारण मेरी सोच में पवित्रता होनी चाहिए, मेरी बोली में पवित्रता होनी चाहिए, मेरे कर्मों में पवित्रता होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। हम में से कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पूर्ण रूप से पवित्र है, लेकिन प्रभु हर दिन हमको पवित्र करते हैं, जो कि हम एक और विषय है, और वो है प्रतिदिन की पवित्रता, जिसको अंग्रेजी में सैंक्टिफिकेशन बोला जाता है। वो एक विषय है जिसका हम अध्ययन करेंगे, और जब अध्ययन करेंगे तब हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन आज इतना जानना पर्याप्त है कि मैं और आप प्रभु की उपस्थिति में जब जाते हैं तब मन में किसी तरह की हीन भावना, डर की भावना, लज्जा की भावना उसकी जरूरत नहीं है। हम प्रभु यीशु की धार्मिकता के द्वारा कवर किए हुए लोग हैं, जिनको प्रभु जब देखते हैं तब धर्मियों के रूप में देखते हैं। ये प्रभु के वचन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है जो मैंने आपको दिया। इसका प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल यही है कि प्रत्येक दिन जब हम दूसरों के सामने खड़े होते हैं, इस बात को ना भूलें कि मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है, और मुझे उस आइडेंटिटी के अनुसार, मुझे प्रभु ने जो पहचान दी है उस पहचान के हिसाब से मुझे जीवन बिताना है। इसके साथ साथ एक बात और मैं इसी अध्याय से याद दिलाना चाहता हूँ। छठे पद में हम देखते हैं, जब हम निर्बल ही थे तो प्रभु यीशु ठीक समय पर हम भक्तिहीनों के लिए सूली पर प्रभु ने अपना जीवन दिया। इसका क्या मतलब है? आज इस सभा में ऐसे भी कई भाई बहन बैठे हुए हैं जिन्होंने आज तक प्रभु यीशु के द्वारा ये जो नया जीवन है इसे नहीं पाया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं याचना करना चाहता हूँ कि भैया हम में से हर एक का जीवन हमको नित्य नरक की तरफ ले जा रहा है। उस नित्य नरक से मुझे और आपको बचाने के लिए आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने सूली पर अपना जीवन बलिदान के रूप में दिया। हम भक्तिहीनों के लिए प्रभु ने अपना जीवन दिया, और जब प्रभु का वचन कहता है कि मेरे बच्चे तू मेरे पास आ, मेरे बलिदान को दे, किसको ग्रहण कर, मुझे मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर ले, मैं तुमको नया जीवन दूंगा, तो मेरा सवाल यह है कि इस प्रभु की वाणी को बार बार सुनने के बाद भी हम यदि प्रभु से दूर हैं तो इसके लिए हमारे सामने क्या बहाना होगा? प्रभु का वचन बार बार हमको याद दिलाता है कि हम में से हर व्यक्ति को प्रभु यीशु में जो नया जीवन है वो पाना जरूरी है। मेरे प्रिय भाई, यदि आपने इस नए जीवन को नहीं पाया है तो आज उसको पाने के बाद ही इस हॉल से बाहर जाए। मेरी प्रिय बहन, यदि आप में से कोई है जिसने इसको नहीं पाया है तो उसके पाने के बाद ही जाए। मैं याद दिला दूँ, सभा के बाद मैं इस हॉल में हूँगा, मेरे पास आइए, मुझे बताइए कि आप उस नए जीवन को पाना चाहते हैं, मैं आपकी अगुवाई करूंगा, डिटेल्स बताऊंगा। मुझसे नहीं तो मेरे साथ ये सामने दो भाई बैठे हुए हैं, यहाँ सभा में भी कई भाई लोग बैठे हैं, उधर पीछे कई भाई लोग बैठे हैं, ये सब इस नव जीवन को पाने में आपको गाइड करेंगे। हम सब तैयार है, हम सब चाहते हैं कि इस नए जीवन को आप पाएं, और इस कारण आज इस सभा को जाने सभा इस हॉल को छोड़कर जाने से पहले जिसने भी इस मुक्ति को नहीं पाया है वे इस मुक्ति को पाकर ही जाएं। जिन्होंने पाया है वे इस बात को याद रखें कि आप प्रभु की उपस्थिति में खड़े होते हैं तो प्रभु आपको एक क्षमा पाए हुए पापी के समान नहीं, अपने पुत्र की धार्मिकता से आवरण किए हुए एक धर्मी के रूप में देखते हैं। और जब आप मनुष्य के सामने खड़े होते हैं तब मनुष्य भी ये उम्मीद करता है कि आपका जीवन उसी प्रकार का होगा, और इसलिए मनसा वाचा कर्मणा हमारे जीवन में इस तरह की पवित्रता आए उसके लिए पवित्र आत्मा के ऊपर आश्रय करके प्रभु के वचन को सीखकर हमारे जीवन में वो पवित्रता आए, इसके लिए आत्मिक जीवन में
नियमित रूप से बढ़ने के लिए प्रभु हम सब की मदद करे। आज इन बातों के अध्ययन के लिए प्रभु ने हमारी मदद की, उसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। इन वचनों के द्वारा आप में से हर व्यक्ति को प्रभु की आशीष मिले। जय मसीह की।